नमस्कार, दी ललन टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूँ गरिमा। खबर पर बढ़ते हैं, उसके पहले जरूरी बात, क्या हाल है यूपी? शुरू हो चुका है, अब सौरभ द्विवेदी दी ललन टॉप पर नहीं दिखाई देंगे, उनको देखने सुनने का एक नया पता है, हमारा नया चैनल ललन टॉप यूपी, जहां पर चुनावी कंटेंट तो है ही, साथ में है ब्लॉग, बदकुचन, लाइव ज्ञान और बहुत कुछ नया। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया चैनल, चैनल का पता नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब खबर पर आते हैं। साल 2013, 10 अक्टूबर की तारीख शाम के 3:37 पर BCCI ने एक ट्वीट किया। यूं तो ये बस एक ट्वीट था, लेकिन इस ट्वीट में जो लिखा था उसे भारतीय क्रिकेट फैंस पर व्रजपात भी कह सकते हैं। भले ये बंदा पहले जैसा वन मैन आर्मी नहीं था, लेकिन दुनिया भर के बॉलर्स तब भी इसके बल्ले के वजन से डरते थे। और इन तमाम बॉलर्स को राहत पहुंचाने वाले इस ट्वीट में BCCI ने लिखा था, सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, उनका 200वां टेस्ट ही उनका आखिरी टेस्ट होगा। इसके बाद पूरी दुनिया से सचिन के लिए शुभकामनाएं और बधाइयां आने लगी, तमाम चीजें हुई और वो सारी चीजें लगभग हर क्रिकेट प्रेमी को पता है। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बात बताएंगे जो कम ही लोग जानते हैं। इस घोषणा के लगभग एक घंटे पहले सचिन ने दो फोन किए थे, पहला अपने बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर को और दूसरा अपने प्यारे वासु सर को। मुंबई क्रिकेट के वासु सर, बोले तो वासुदेव वासु परंजपे। आचरेकर से बात करने के बाद सचिन ने वासु सर को फोन लगाया और कहा, मैं एक घंटे में अपने रिटायरमेंट की घोषणा करने जा रहा हूँ। जवाब में वासु सर बोले, फोन करने के लिए शुक्रिया सचिन, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। और जवाब में सचिन बोले, सर मुझे पता है कि आपने मेरे लिए क्या कुछ किया है। अब तक आप समझ गए होंगे कि भले ही आपने वासु सर का नाम आज से पहले ना सुना हो या कभी कभार ही सुना हो, लेकिन वासु सर थे जलवेदार आदमी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सोमवार 30 अगस्त 2021 को स्वर्गवासी हुए 82 साल के वासु परंजपे ने कई दशक तक मुंबई में नए बालकों को क्रिकेट की डगर पर चलना सिखाया, और ऐसे बालकों को आज दुनिया सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, संदीप पाटिल, रमेश पवार, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर इत्यादि के नाम से जानती है। बचपन से ही सचिन को तराशने वालों में शामिल रहे वासु सर का सचिन से बेहद खास रिश्ता था। इतना खास कि हाल ही में वासु सर पर आई किताब क्रिकेट द्रोण में सचिन ने वासु सर से जुड़ी अपनी यादें साझा की थी। इन यादों की माने तो साल 1989 में सचिन का डेब्यू वासु सर के चलते ही हो पाया था। बात साल 1989 की है। पाकिस्तान टूर के लिए भारत की टीम चुनी जा रही थी। सचिन ने ईरानी ट्रॉफी में सेंचुरी मारी थी और उसी बरस रणजी ट्रॉफी में भी मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। लेकिन इन सब के बाद भी अप्रैल में उन्हें वेस्ट इंडीज टूर के लिए टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पाई थी। लेकिन सिलेक्शन कमेटी के हेड राज सिंह डुंगरपुर ने उन्हें अपने सीनियर सेकेंडरी एग्जाम पर फोकस करने की सलाह दी थी। डुंगरपुर ने सचिन से कहा था, तुम आने वाले सीनियर सेकेंडरी एग्जाम्स की तैयारी करो, टीम में तुम्हारा सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है और एक दिन तुम जरूर इंडिया खेलोगे। दरअसल उस वक्त सचिन सिर्फ 16 साल के थे और सिलेक्शन कमेटी इतने छोटे से बच्चों को बड़ों के खेल में झोंकने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन ये बच्चा जिस तरह रन बना रहा था, उसे देखते हुए डुंगरपुर ने एक रोज वासु सर को फोन मिला ही दिया। फोन पर वासु सर से बात करते हुए डुंगरपुर ने शंका जताई कि पाकिस्तान के खुर्राट पेसर्स के आगे कहीं सचिन को चोट ना लग जाए। डुंगरपुर की चिंता पर वासु सर ने अपने मौज लेने वाले अंदाज में कहा, ये लगने वाला प्लेयर नहीं, लगाने वाला प्लेयर है। और वासु सर की इस एक लाइन ने सचिन का पाकिस्तान का टिकट कंफर्म करा दिया। डुंगरपुर को अच्छे से पता था कि वासु सर क्रिकेट से जुड़ी कोई बात हल्के में नहीं कहते और ना ही वो बिना तोल मोल के किसी प्लेयर के बारे में कोई दावा करते हैं। और सचिन को तो उन्होंने शुरू में ही पहचान लिया था। दरअसल बचपन से ही सचिन को खेलता हुआ देखते आ रहे वासु सर साल 1987 में इंडिया अंडर 15 टीम के कोच थे। उन्होंने उस वक्त इंदौर में लगे कैंप में दिग्गज ओपनर रहे मुश्ताक अली को बुलाया। साल 1936 में ओल्ड ट्रेफर्ड में सेंचुरी मारने वाले मुश्ताक भारत के लिए ओवरसीज सेंचुरी मारने वाले पहले बल्लेबाज थे। इन बच्चों के लिए उन्हें देखना ही बड़ी बात थी, लेकिन सचिन के लिए मुलाकात और खास हो गई, क्योंकि वासु सर ने मुश्ताक अली से सचिन का परिचय कराते हुए कहा, मौजूद वक्त में सुनील गावस्कर के बाद ये शायद भारत का दूसरा बेस्ट बैट्समैन है। अगर ये अगले 5 साल में इंडिया ना खेला तो बेहद आश्चर्य की बात होगी। और वासु सर की बात 2 साल में ही सच हो गई। सचिन ने पाकिस्तान टूर पर टेस्ट डेब्यू कर ही लिया। सचिन ने क्रिकेट द्रोण किताब में इसी इंदौर कैंप का एक किस्सा बताया है। दरअसल इस कैंप के लिए वासु सर के बेटे जतिन का भी सिलेक्शन हुआ था और जतिन पूरे कैंप में सचिन के रूममेट भी थे। जतिन हर रोज रात के खाने के बाद प्लास्टिक की गेंद से सचिन को बॉलिंग करते थे। क्रिकेट के नजरिए से देखें तो प्लास्टिक की बॉल से खेलने से बैट्समैन का रिएक्शन टाइम बेहतर होता है, इससे रेड बॉल क्रिकेट में काफी फायदा मिलता है।
लेकिन एक बात ये भी है कि फर्श पर पड़ते ही प्लास्टिक बॉल शोर भी बहुत करती है, और हर रोज का ये शोर कैंप के सिक्योरिटी गार्ड को सख्त नापसंद था। वो हर रोज आकर मना करता लेकिन सचिन और जतिन मानते ही नहीं। बस एक दिन गुस्से में आकर गार्ड सीधे वासु सर के पास पहुंच गया और वहां जाकर कहा, एक छोटा लड़का बैटिंग कर रहा है और इतनी रात में आपका बेटा उसे बॉलिंग कर रहा है। जवाब में वासु सर ने कहा, तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ फील्डिंग करके उनकी मदद करो। वासु सर की ये बात सुनकर गार्ड बेचारा चुपचाप अपनी ड्यूटी पर लौट गया। फिर महीने भर के इस कैंप में उसने एक भी दिन सचिन और जतिन को नहीं रोका। सचिन और वासु सर के तमाम किस्सों में एक मशहूर किस्सा और है, और इस किस्से में सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर भी शामिल हैं। दरअसल रमेश कभी भी सचिन को खेलते हुए नहीं देखते थे। उनका मानना था कि उनके देखने से सचिन जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन सचिन के शुरुआती करियर में सबसे बड़े मैच को उनके पिता ने स्टैंड से देखा। दरअसल हुआ यूं कि 1988-89 रणजी ट्रॉफी में बोरा भर रन बनाने के बाद सचिन को ईरानी ट्रॉफी के लिए चुना गया, जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया ही था। और इस मैच में सचिन रेस्ट ऑफ इंडिया की ओर से दिल्ली के खिलाफ खेल रहे थे। ये मैच एक और वजह से खास था, इसी के जरिए पाकिस्तान जाने की टिकटें बटनी थी, अरे मतलब वही टीम सिलेक्शन होना था। और वानखेड़े के इस मैच की पहली पारी में घातक स्पिनर मनिंदर सिंह ने सचिन को सस्ते में निपटा दिया। फिर आई दूसरी पारी, किसी भी कीमत पर लाहौर देखने को बेताब सचिन तेंदुलकर दिल्ली के बॉलर्स को कूटने लगे, लेकिन दूसरे एंड वालों को जाने किस बात की जल्दी थी, कोई सचिन के साथ रुकने को तैयार नहीं था। मैच का आखिरी दिन खत्म होने वाला था, सचिन 89 रन बना चुके थे, रेस्ट ऑफ इंडिया मैच हार चुकी थी, बस औपचारिकता बाकी थी। तभी 9वें विकेट के रूप में वेंकटपति राजू आउट हो गए। इसके साथ ही आउट हुआ सबका माइंड, क्योंकि अब सिर्फ गुरशरण सिंह बचे थे, वो भी टूटी उंगली के साथ। पहली पारी में संजीव शर्मा ने उन्हें ये दर्द दिया था। ये दर्द इतना था कि गुरशरण अपने दाहिने हाथ में ग्लव्स तक नहीं पहन पा रहे थे, लेकिन राज सिंह डूंगरपुर ने उन्हें बैटिंग करने भेज दिया कि क्या पता कुछ गेंदें निकल जाए और सचिन की सेंचुरी हो जाए। गुरशरण आए और सचिन ने उनसे कहा, मनिंदर को तो मैं देख लूंगा, तू बस ब्लॉक करियो काके, और गुरशरण टिके रहे। सचिन ने घूमते विकेट पर अपनी सेंचुरी पूरी की। फिर जब स्टैंड्स की ओर बल्ला लहराया तो वहां वासु सर के साथ सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर भी बैठे हुए थे। रमेश ने अपने बेटे को सिर्फ 2 बार बैटिंग करते देखा था और ये उन्हीं 2 मौकों में से एक की बात थी। अगले हफ्ते सचिन पाकिस्तान जाने के लिए हवाई जहाज में बैठ चुके थे। बाद में रमेश तेंदुलकर के वानखेड़े आने का किस्सा कुछ यूं नमूदार हुआ। वासु सर अपनी 1955 फिएट लेकर गए और रमेश तेंदुलकर को वानखेड़े चलने के लिए कहा, लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे। तब वासु सर ने कहा, चिंता मत करो, वो आउट नहीं होगा। अगर सिर्फ तुम्हारे होने से वो आउट होता तो मुंबई के सारे स्कूल तुम्हें अपना प्रिंसिपल बना लेते। ये बात सुनकर हंसते हुए रमेश तेंदुलकर वानखेड़े आने को तैयार हुए। सचिन इस एक घटना के लिए खुद को हमेशा वासु सर का कर्जदार मानते हैं। वासु सर ने ऐसे तमाम मौकों पर सचिन की मदद की। राज सिंह डूंगरपुर से सचिन के लिए बात करने से पहले उन्होंने दादर यूनियन के दिग्गज और मुंबई के कैप्टन दिलीप वेंगसरकर से कहकर सचिन को प्रैक्टिस के लिए इंडियन टीम के बॉलर्स के आगे भेज दिया। शुरुआत में तो वेंगसरकर हिचके, उन्हें लगा कि कपिल और चेतन शर्मा जैसे दिग्गजों के आगे प्रैक्टिस के चक्कर में कहीं इस लड़के का करियर ही ना खत्म हो जाए, लेकिन वासु सर की बात मानकर उन्होंने ये रिस्क ले ही लिया। और फिर मशहूर सूक्ति, रिस्क है तो रिस्क है का जाप कर सचिन इस दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक बन गए। इस वीडियो के लिए रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी, कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी, बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी, किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी, खुशहाल बदहाल या बहरहाल है यूपी, बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी।